तो चलिए बच्चों, हम लोग अब डिस्कशन करते हैं जो 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी उसमें सिलेबस में। सबसे पहले बच्चों, जो आपके पास ये टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट वन, उसमें लिखा है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि फंक्शन का मेजर पार्ट आपने पढ़ा है, फंक्शन का मेजर पार्ट आपने पढ़ा है। तो फंक्शन का जब मेजर पार्ट पढ़ा है तो उसमें आपने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं, फंक्शन की डोमेन निकालना, फंक्शन की रेंज निकालना, लॉग वाले फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं बच्चों सब आप जानते हैं। बस आप ये मान के चलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो कोई भी आपके एक पास फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन चल रहा होगा। वैसे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है और कंपोजिट फंक्शंस भी होते हैं, इनको आपको जरूर तैयार करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इन्होंने हाईलाइट किए हैं वन वन ऑन टू, इसका मतलब हाईलाइट किए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच्चों उसमें होने वाला है, क्योंकि फंक्शन फंक्शन तक ही सीमित नहीं रहता है, फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाता है। और बच्चों, इनवर्स अगर किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, जो वन वन और ऑन टू दोनों, उन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। इसका मतलब बच्चों, अगर हमने अपने सिलेबस में फंक्शन डाला है, यानी फंक्शन का एक रोल है या तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए या तो इनवर्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए, कहीं ना कहीं उसको यूज कर किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों, आपको जान के खुशी होगी, जो सेट्स रिलेशन वाला टॉपिक होता है इसको हम लोग जेई मेन्स एक्सक्लूसिव टॉपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स। इसका अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आसान होता है। जैसे उसमें क्या क्या आ जाता है, सेट्स और देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड देयर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज, पावर सेट, रिलेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के सेट्स, रिलेशन और फंक्शन में इतना पार्ट आपके पास दिया गया है, इतना पार्ट आपको दिमाग में फोकस रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी बड़ा सा टॉपिक होता है और क्वेश्चन इस पे एक ही आता है जेईई मेंस में। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर समय ज्यादा खर्च कर रहे हैं और क्वेश्चन ना कर पाए तो उसमें भी आपके टाइम का लॉस हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के अपने एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन पे हाथ डालिएगा, क्योंकि अगर वो होने वाला होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हो सकता है, और बहुत अजीबोगरीब दिखे तो भैया उसको आप तुरंत छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके पास दूसरे क्वेश्चंस भी होंगे करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आ रहा है बच्चों, जैसे सिलेबस रिड्यूस किया गया है, अब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा 2023 के कंपैरिजन के साथ कि इसमें क्या काम है। इसमें लिखा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। बच्चों ये पार्ट ये आप याद रखिएगा, मैं इसको अलग से बता देता हूँ। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, अगर आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों आप इसको क्या करते हो, रेशनलाइज करते हो, और रेशनलाइज करने पर आपका टाइम चला जाता है। याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन जरूर हो रहा होता है, तो ऐसे केस में अगर आप इस तरह का फॉर्मेशन देखते हो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बच्चों आप इसका पैटर्न जो होता है वो सेट कर लो कि इसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। इसका रियल पार्ट क्या होता है, वो होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका समय कई जगह बचा सकता है। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान देना होगा आर्गन डायग्राम, डाइम एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों आर्ग्यूमेंट पे कोई क्वेश्चन ना किसी शिफ्ट में जरूर रहता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं तो दैट मींस उसका थीटा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स के नाम से हम उसको जानते हैं, उसका थीटा। तो बच्चों ये आर्ग्यूमेंट कभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के नाम से बोला जाता है, कभी आर्ग्यूमेंट के नाम से बोला जाता है।
तो आर्गुमेंट का मतलब, आर्गुमेंट की कई सारी डेफिनेशन होती हैं। जैसे अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसकी प्रूविंग भी आप जानते हैं, है कि नहीं है। इसके अलावा बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड होते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप हमारे साथ बैठे हैं तो आपको जो आता हो वो भी आप हमारे साथ बोलते रहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स। तो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इस तरह की फॉर्मेशन आएगा। लेकिन बच्चों, आप अपने सिलेबस में ध्यान से देखिए, जेई मेंस के सिलेबस में कहीं से भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जिक्र देखिए अभी तक लिखा नहीं है इन्होंने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं लिखा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्होंने रोटेशन का भी जिक्र नहीं किया है। लेकिन रोटेशन तो जिक्र नहीं किया तो रोटेशन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक हो सकती है तो हो सकता है क्यूबिक भी डाल दो उसमें, वो हो सकता है। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के भी तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, जिसको हम लोग वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पार्ट वाला तैयार कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप रोटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप अपना समय ना खर्च करिए, क्योंकि वो मेंस के सिलेबस में अभी नहीं है। बच्चों, आप टारगेट करिए कि मेंस के सिलेबस में आपके जो परसेंटाइल हैं पहले वो उतने आ जाएं ताकि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये जरूर तैयार करना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी इक्वेशन आपके पास आ जाती है। जैसे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। जैसे मान के चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा कई शिफ्ट में चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम बेसिक थ्योरी सी बात करें कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या होते हैं, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं, वो देते हैं कि भाई अगर मान लो एक्स क्यूब माइनस वन, जरूरी थोड़ा ना एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो ही हर बार है, हो सकता है एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो आ जाए, तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे तब आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है वो देते एक्स माइनस टू का होल क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो, तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे तब आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो है तो इसके रूट क्या होंगे बच्चों, टू, टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों, किसी भी हालत में आप जब भी रूट्स का सम करेंगे तो सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, ये बात आप चेक कर लीजिएगा। तो टू, टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो उसमें से टू कॉमन आ जाएगा और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को आपको डील करने आना चाहिए। मान लीजिए ये इक्वेशन आप नहीं डील कर पाते हो तो इसको क्या बदल, एक्स मान लेना, तो ये बन जाएगा एक्स क्यू माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो एक्स बच्चों क्या हो सकता है, टू हो सकता है, एक्स हो सकता है टू ओमेगा और एक्स हो सकता है टू ओमेगा स्क्वायर। अब कैपिटल एक्स को बच्चों स्मॉल एक्स में जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो स्मॉल एक्स आपके सारे निकल करके आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने की स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है, एनथ रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, अब बच्चों ये मान के चलिए आप अपने एग्जाम में जब पेपर देने जाए तो एनथ रूट ऑफ यूनिटी को जरूर से जरूर ध्यान से एक बार पढ़ करके जाए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के सिलेबस में ये पार्ट क्लियर आउट हो चुका है कि इसमें से रोटेशन के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। देख लीजिए, आप अपना सिलेबस देखिए, उसमें रोटेशन के बारे में नहीं लिखा है। इसका मतलब रोटेशन यहाँ से कंप्लीटली मिसिंग है, नहीं तैयार करना है। अभी बच्चों, एडवांस का लेटेस्ट सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, जब रिलीज होगा तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग मेंस के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, रोटेशन उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ज्यादा आता है, यानी कि चलेगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन हो वो बड़ा आसान होता है। बाय द वे, आप मान के चलिए बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी मैंने सुबह ही किसी बच्चे के साथ डिस्कस किया है। ये जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का मैं मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये बच्चों एक डीपीपी है, अभी मैंने सुबह ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 2023 का 24 जनवरी का।
आप देखिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कभी कभी बहुत इजी आ जाते हैं और देख के ही क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। कैसे फिनिश हो जाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 178 है, ये 24 जनवरी 2023 शिफ्ट वन में आया हुआ है। ठीक है, इसको देखिए जरा क्या लिखा है। कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट है जिसका नाम है अल्फा। अब इस इक्वेशन को बच्चों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में काफी दफे देखा है तो उनके दिमाग में पहले से है कि अगर एक्स इक्वल टू वन डालते हैं तो सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाते हैं। तो बच्चों के दिमाग में आ गया कि यार इसका एक रूट अल्फा है, यानी अल्फा वन भी तो हो सकता है, और दूसरा रूट क्या है? तो हमने कहा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखोगे तो दूसरा रूट मान लेना बीटा और पहला रूट है वन, तो वन इंटू बीटा इज इक्वल टू करोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा सी माइनस बी अपॉन ए माइनस। अब अल्फा क्या है, वन है कि सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी है, ये कौन बताएगा? इसकी चर्चा करने के लिए इन्होंने कह दिया कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। और बच्चों आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। जैसे ही बच्चों इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे तो यहां से अल्फा फिर से वन आ जाएगा, तो हम इस बात से श्योर हो जाते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, वन है। यानी अल्फा की वैल्यू वन होने का मतलब आपके पास कौन सी इक्वेशन क्रिएट हो गई कि ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी का जो सम है वो जीरो है। इतना बच्चे समझने के बाद बिना करे ही बच्चों ने इसका आंसर 3 टिक कर दिया। कैसे टिक कर दिया? क्योंकि बच्चों ने इसका एलसीएम लिया, ऊपर बन गया एलसीएम लेते ही ए माइनस सी का होल क्यूब, बी माइनस ए का होल क्यूब और सी माइनस बी का होल क्यूब। और बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3ABC लिख सकते हैं यदि ए प्लस बी बी प्लस सी, समझ गए ना, यदि ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। और बच्चों जीरो तो आई वो, तो उसको डायरेक्टली 3ABC से रिप्लेस करेंगे और नीचे से कैंसिल हो जाएगा दूसरे फैक्टर, सिर्फ 3 आंसर। तो बच्चों होने के लिए क्वेश्चंस कभी कभी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के तो आपको बेहद आसान दिखे। मेरे ख्याल से ये चर्चा मैंने अभी आपको एक कुछ समझाने के लिए की थी, हम लोग वापस सिलेबस की तरफ मूव करते जाएंगे। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जरा हम लोग लास्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ नया पार्ट डाला गया है क्या। लिखा है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब बच्चों आप क्रैमर्स रूल पढ़ करके जाएंगे। क्या पढ़ के जाएंगे? क्रैमर्स रूल, इसको लिखा होना चाहिए क्रैमर्स रूल, इसलिए क्रैमर्स रूल ना लिख करके कंसिस्टेंसी लिख दी। तो बच्चों क्रैमर्स रूल आप पढ़ के जाएंगे क्योंकि क्रैमर्स रूल पूरा बताता है कि कभी सिस्टम कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है, कब डिटरमिनेंट जीरो है, कब D1 D2 D3 नॉट इक्वल टू जीरो है, किन केसेस पे हमारे पास कंसिस्टेंसी का टेस्ट होगा, वो सारा क्रैमर्स रूल का एक लेक्चर पूरा हमको सिखा देता है, एक ही लेक्चर होता है बस। और बच्चों याद रखिए रखिए कि क्रैमर्स रूल आप पढ़ के जाइए क्योंकि क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, वो लोग डिटरमिनेंट बना के देते हैं, पूछते हैं इसके इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। तो बच्चों आपने अभी तक पेपर लगाए होंगे तो आपने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जरूर सुने होंगे। बच्चों ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसको हम 0,0,0 जो होता है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा किसका होता है? होमोजीनियस इक्वेशन का होता है। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, तो उस क्वेश्चन का एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0,0,0, तो बच्चों उसको ट्रिवियल कहते हैं, और जो उसके अलावा सॉल्यूशंस होंगे उसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल। समझ में? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का आप पहले से ही निकालना जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। जैसे मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, बल्कि अपने मैं नोट्स पे ले जाता हूं और वहां से मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूं कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपका पेपर खराब कर सकती है, उन प्रॉपर्टीज की प्रूविंग वगैरह सब कुछ आपको अब इस स्टेज पे पता होना चाहिए। तो बच्चों उस प्रॉपर्टीज पे बस पहुंच रहे हैं, आप थोड़ी सी आप वेट करिए। देखिए बच्चों हम लोग उस प्रॉपर्टीज पे फाइनली पहुंच गए। बच्चों ये प्रॉपर्टीज होती है, बच्चों ये प्रॉपर्टीज अगर आप जानते हैं तो मैं 2023, 2022, 2021, 2020 सारे मैं सीक्वेंस से क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन चल रहे हैं।
बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान होती है, इनकी प्रूविंग भी होती है। लेकिन बच्चों अब आप प्रूविंग की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए। आपको प्रॉपर्टीज पता नहीं है, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको अलग से लेक्चर भी शेयर कर सकता हूँ, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जितनी प्रॉपर्टीज लिखी है, 8 की 8 प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर बच्चों इस फोर्थ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, जो आपके स्कूल का बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी पे जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यूज होती है, वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होती है। अब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो क्या होगा बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। बच्चों अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स होगी। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसलिए बच्चों अलग से ए मल्टीप्लाई किया गया है, ताकि एक कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर के वापस मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे बच्चों डिटर्मिनेंट होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन की पावर टू। और बच्चों मैंने पढ़ाते समय लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है, वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल क्यूब हो जाता है। ऐसे करके बच्चों पावर बढ़ती चली जाती है, और इसी का फायदा उठा करके उन्होंने इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा, और प्रॉपर्टी बहुत ही आसान थी लगाना, कई बच्चे नहीं लगा पाए क्योंकि उन्होंने इन प्रॉपर्टीज पे ध्यान ही नहीं दिया था। तो याद रखिए इन प्रॉपर्टीज को कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, इन प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा आपके जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। तो आपको ये प्रॉपर्टीज करके जानी ही पड़ेंगी, वरना आपका काम नहीं चल पाएगा। आप देखना चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, जैसे ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी शो कर देता हूँ, उससे आपको पूरा आइडिया पड़ जाएगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 181 है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में लगेगा कि ये तो सर लग रहा है प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है कि नहीं। तो बच्चों 2023 का क्वेश्चन फिर से देखिए, देखिए नीचे 2023 का क्वेश्चन ग्रामर रूल पे बना हुआ है, ऊपर भी प्रॉपर्टीज पे बना हुआ है, बना है कि नहीं, कितना आसान है। तो तुम कहोगे सर ये तो अभी वाली प्रॉपर्टी है, आपने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, आपने बताया था फिर से एडजॉइंट कर ले लो और फिर से डिटरमिनेंट ले लो, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में दोबारा एडजॉइंट लिया गया है। तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें एक पावर बढ़ जाएगी, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू बच्चों 12 की पावर 4 है। बच्चों इसमें एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि यहाँ पे जो एन है वो 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है 3 है। आपने एन की वैल्यू 3 डाली, खटाक से आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया 2 √3। डिटरमिनेंट ऑफ ए आने के बाद आपको कैलकुलेट करना था ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। बच्चों अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ए इनवर्स मतलब 1/mod a, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो मैंने अभी बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन आता है, भी मैंने सिखाया था। तो ऊपर क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो सिर्फ बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब आंसर बहुत आसान तरीके से निकाल लिया, 2 √3। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पार्ट है, एक क्रैमर्स रूल और एक दूसरा पार्ट कौन सा बताया, ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज। अगर आप ये तैयार करके नहीं गए तो समझ लीजिए पेपर में आपको फिर क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जरूर आएगा। बाकी बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में यही दो हिस्से होते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों पीएनसी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कमांड है, कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, आपका माइंडसेट कितना सोच लेता है, उस पर डिपेंड करता है। हमसे पूछेंगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पीएनसी का जो क्वेश्चन होता है वो 90% जनता का गलत हो जाता है। तो बहुत ही अगर आपको कमांड हो तो आप पीएनसी का क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, प्रैक्टिस अगर कम है तो आप उसको मत ट्राई करिएगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमसे नहीं होने वाला है, तो आप उस पर टाइम ना वेस्ट करिएगा।
उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन है, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम में जो आपने धुआंधार पढ़ रखा है, यानी कि 1 + x की पावर होल पावर n का जो आप एक्सपेंशन लिखते हो, फिर आप उसको इंटीग्रेट करके कई तरह के डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकालते हो, निकालते हो भी नहीं, यस सर, उनको डिफरेंशिएट करके कई तरह के एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हो, तो बच्चों वो सारी चीजें गायब है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपने मल्टीनोमियल थ्योरम भी पढ़ रखी होगी, वो भी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो देखो बच्चों बाइनोमियल आपने बहुत सारी पढ़ रखी है लेकिन सिलेबस में टैया भर की है, देखो कितनी कम है बाइनोमियल, है ही यस नहीं। सर, अगर आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि बच्चों हम लोग तो फ्रैक्शनल इंडेक्स भी पढ़ते हैं वो यस गायब है इसमें से, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं गायब है इसमें से, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम कितनी है जो क्लास 12th में बच्चे पढ़ते हैं उतनी है, जो 11th में बच्चे पढ़ते हैं उतनी है। वैसे बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में होती है, जो आपने आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल किसी से भी लगाई हो तो उतना ही सिलेबस उन्होंने डाला है, डाला ही नहीं हटा दिया। उसके बाद देखो सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर आप बच्चों ध्यान से देखिए एक मोजर पोर्शन उसमें से गायब है, वो है हार्मोनिक मीन का। किसका गायब है? हार्मोनिक मीन, यानी कि हार्मोनिक सीरीज जो आप पढ़ते थे वो है ही नहीं इसमें, कितना समय बच गया आपका। यानी कि बच्चों आपने सीरीज के अलावा मिसलेनियस सीरीज भी कई सारी पढ़ी है, देखो उसमें है ही नहीं। ये किसके ऊपर टारगेट कर रहा है? एएम और जीएम के ऊपर टारगेट कर रहा है, जी यानी कि एएम ग्रेटर इक्वल टू जीएम, जीएम ग्रेटर इक्वल टू एचएम, ये कह रहा है कि मैं इस पे क्वेश्चन देने वाला हूं, उसमें भी एचएम गायब कर दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन किस पे बन रहा है? एएम और जीएम पे। ये हिंट दी गई है आपको कि एएम और जीएम पे क्वेश्चन आ रहा है। अब आप जितनी भी एजीबी मिसलेनियस सीरीज लगाते हैं उस पे आप मेहनत बंद कर दीजिए, समय खराब कर रहे हैं आप। पहले टारगेट करिए कि आपका मेंस का एग्जाम अच्छा हो, एडवांस की तैयारी फिर हम लोग दोबारा बैठ के करेंगे, लेकिन अभी आप टारगेट करिए कि हमें करना क्या है, हमें करना है एएम और जीएम के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एएम जीएम के सिर्फ क्वेश्चंस तैयार करने और कुछ नहीं करना है। वो क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, आप खाम का खूब सारी सीरीज बना करके अपना टाइम वेस्ट ना करिए। इसने और कौन सा पार्ट मिस कर रखा है? इसने ये भी पार्ट पार्ट मिस कर दिया, जो समेशन आर होता है, समेशन आर स्क्वायर होता है, समेशन आर क्यूब लगा करके सीरीज लगाते हैं, वो भी इसने हटा रखा है। यानी सीक्वेंस सीरीज में कुछ बचा ही नहीं, बोर्ड की सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई है तो। लेकिन हम लोग को पता नहीं, इसलिए हम लोग ने समय बहुत खर्च कर दिया, तो उस समय को बचाइए, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जिन पे ये टारगेट करने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है एएम एंड जीएम, यानी याद तैयार करिए आप एएम और जीएम के क्वेश्चंस। उसके बाद आता है बच्चों लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, लिमिट हो, इसमें सिलेबस कम हटाया गया है, ये मान के चलिए लगभग पूरा ही सिलेबस है, रिड्यूस नहीं किया गया है। हाँ रिड्यूस इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन में किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस कम रिड्यूस किया गया है, यानी लिमिट्स आपको पूरी आनी चाहिए इंक्लूडिंग एल हॉस्पिटल रूल, कंटिन्यूटी आपको पूरी आनी चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी आपको पूरी आनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप समय खराब कर रहे हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे ना खराब करके आप इस पे करिए, क्योंकि यहां से सिलेबस इन्होंने रिड्यूस नहीं किया है। ठीक है, यस तो एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। बच्चों ये देखिए इन्होंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इस पे बच्चों आपको क्वेश्चंस बहुत कम कराए जाते हैं और इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें लिख भी रखा है। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल, रेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बच्चों ये फंक्शंस होंगे तभी तो हम उनकी लिमिट निकालेंगे ना। ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ द सम। बच्चों ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशेंट रूल,
अरे बच्चों, हम लोग को तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक आता है ना भाई। एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आज की डेट में हर बच्चे को याद है। क्या होता है? एक्स की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ln x। तो बच्चों, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होने के केस में हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं या ln लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द ऑर्डर अप टू टू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज, मोनोसिटी, ये सब दिया गया है। तो बच्चों, ये आपको तैयार करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ा भी दी गई है। तो अच्छा हुआ आपने पढ़ ली है, उतना ही आपको तैयार करना है। फिर भी अगर आपका छूटा हुआ हो, कमांड ना हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हो, तो आप हमको अलग से बताइएगा, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो बच्चों, आपको जो सबसे ज्यादा तैयार करना है वो लिमिट्स और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये कम हटाया गया है। चलिए बच्चों, इसने इंटीग्रेशन पहले ही हाईलाइट करके दे दिए हैं कि कौन सा ये इंटीग्रेशन देना चाहता है। या तो ये 1/4 टाइप का देगा, या तो ये 1/√4 टाइप का देगा, या अगेन 1/4, या 1/√4, 1/4, 1/√4, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, एक ही फंडे से होते हैं। लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। या तो रूट क्वाड्रेटिक या तो रूट क्वाड्रेटिक। इतने बच्चों ये टारगेट कर रहा है। टारगेट करने का मतलब, अगर आपको इतने स्टैंडर्ड्स पता है तो इतने स्टैंडर्ड पता होने के केस में आप क्वेश्चन पेपर अच्छा कर ले जाओगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स लोग गलत लगा लेते हैं। अगर आप इनको ऑन वन पेज लिख लोगे तो ये आपको याद रहेगा। जिससे बच्चों बोर्ड का पेपर भी हो तो ये स्टैंडर्ड आप पहले एक जगह लिख लीजिए, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि यही सेम फॉर्मूले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में और एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में यूज करने हैं। तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब बच्चों ये तीन हो गए। अब बच्चों इन तीनों पर रूट लगा दो, क्योंकि बच्चों अगर आप ये अलग से आइडेंटिफाई करके रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, वरना लोग रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लिख देते हैं, और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आता है तो रूट वाला लिख देते हैं, उल्टा सीधा सब फॉलो होने लगता है। और फिर कहते हैं कि सर किया तो सही है, आंसर नहीं मैच कर रहा है। ऐसा कई दफे आप कहते हैं कि सर किया सही है, आंसर में नहीं मैच कर रहा है। तो बच्चों जेई के पेपर में करेक्शंस बहुत कम होंगे। अगर आंसर नहीं मैच कर रहा, इसका मतलब आप नहीं गलत किया होगा, आपको ही उस पे देखना है कि क्या हो सकता है दोबारा। अगर बेटा जेई के पेपर में क्वेश्चन गलत होता है तो वो सभी के लिए फिर बोनस मार्क होता है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट किया हो। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको बोनस मार्क नहीं मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? तो बच्चों ये स्टैंडर्ड अगर आपको पता है तो आप इसको वन पेज लिख करके तैयार कर लीजिए, जिसे पहला वाला हर बच्चे को पता है, 1/8 tan inverse x/a + c। दूसरा होता है 1/2a ln x - a / x + a + c। अब बच्चों ध्यान देना होगा कि यहां पर मॉड होता है, तो आप मॉड ही लगाइए। ठीक है? उसके बाद बच्चों यहां पर होता है 1/2a ln a + x / a - x + c। ये होता है ln x + √x² + a² + c। ये होता है बच्चों ln x + √x² - a² + c। तो बच्चों ये सारे स्टैंडर्ड आपको ऑन वन पेज तैयार करने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका जेई मेंस का सिलेबस कह रहा है कि सारे पैटर्न आपको पता होने चाहिए वन शॉट। चलिए तो बच्चों आप बता सकते हैं आखिरी के तीन, वो मैं चाहूंगा आप बताएं। क्या बेटा बता सकते हो आखिरी वाला? जी ओके, कोई बात नहीं। अब आप इसको समझ गए होंगे कि इनका कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सिलेबस में इसको हाईलाइट करके किया गया है। x/2 √x² + a² + a²/2 ln x + √x² + a² + c। ये होता है बच्चों x/2 √x² - a² - a²/2। दिस इज ln x + √x² - a² + c। और लास्ट वाला होता है बच्चों
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बच्चों अगर आपको ये नहीं पता है तो आज ही की डेट में ये लेक्चर पूरा देखने के बाद, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आज ही की डेट में आप क्या करेंगे, अपना एक ब्लैंक पेज उठाएंगे, अपने स्टडी रूम में सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिख करके रेडी कर लीजिए, वरना आप एग्जाम के टाइम जल्दी कर नहीं पाएंगे, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। तो सिलेबस को टारगेट करिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा हो बच्चों। इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, फंडामेंटल इंटीग्रल इन्वॉल्विंग एलजेब्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फंक्शंस, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन बताने की कोशिश कर रहा है ना, ये इंटीग्रेशन बेसिक ही, यानी ये इंटीग्रेशन आर डी शर्मा से ही मिल जाएगा, क्लास 12th में जो बच्चे लगाते हैं, ये बेसिक इंटीग्रेशन बता रहा है। यानी इंटीग्रेशन में लेमिनीज रूल तो ये यूज ही नहीं कर रहा है। लेमिनीज रूल क्या होता है? वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो लिखा ही नहीं है, यानी बहुत बड़ा पार्ट तो हटा दिया इसमें। बेसिक इंटीग्रेशन है बच्चों। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लिखते हैं लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये हो गई बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक प्लस यू, इस तरह से करते हैं बच्चों। अब चाहे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो अथवा लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, तरीका ऐसे ही होता है करने का। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बच्चों प्रॉपर्टीज जो आपको बताई जाती है, जैसे एक बहुत फेमस प्रॉपर्टीज होती है ना, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स वेन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अदरवाइज जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो वेन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो बच्चों ये लगभग 8 से 10 प्रॉपर्टीज होती है, ये 8 से 10 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वो अगर पता है तो ये प्रॉपर्टीज पे टारगेट कर रहा है आपके इंटीग्रेशन पे, ध्यान दो बच्चों प्रॉपर्टीज पे टारगेट कर रहा है, यानी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। भाई 6 प्रॉपर्टीज तो आपकी क्लास 12th में ही बताई जाती है, इस तरह के इंटीग्रेशन तो प्रॉपर्टीज से किए जाते हैं ना, जैसे जीरो से पाई बाई टू एल एन साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर बच्चों को रटवा दिया जाता है, क्या होता है माइनस पाई बाई टू एल एन टू, है कि नहीं है। जीरो से पाई बाई फोर एल एन वन प्लस टेन एक्स, बच्चों ये सब प्रॉपर्टी से ही करते हैं, तो क्या होता है पाई बाई एट एल एन टू, है कि नहीं है। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस तो प्रॉपर्टीज से करते हैं, तो प्रॉपर्टीज तो वही 6 प्रॉपर्टीज तो पहले वही होती है जो 12th में आपको पढ़ाई जाती है, उसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है 4 और होती है, वो 4 प्रॉपर्टीज आपको और तैयार करनी होगी, 10 प्रॉपर्टी मिलाकर की ये खेल किया जाएगा। उसके बाद बच्चों ये एरिया पूछ रहा है, वो भी एरिया बहुत भयानक कर्व नहीं होंगे, सिंपल से कर्व होंगे उनका एरिया। तो बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस में हाईलाइट किया गया है थोड़ा, एक तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरे इंटीग्रेशन कितने तरीके के होंगे वो भी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इंटीग्रेशन बच्चों और भी तरह के होते हैं, वो हाईलाइट नहीं किए गए। जैसे बच्चों x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप के भी होते हैं, ये हाईलाइट इसने नहीं किए, इसने सिंपल से क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड आपको हाईलाइट करके दिए हैं, वही आपको करते हैं। तो बच्चों अपनी मेहनत बचाइए, ऐसा ना हो आप लेमिनीज रूल के खूब सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स होता है, वो पिछली बार सिलेबस में था, वो भी आपके कोर्स में, तो आप अपनी ताकत पहचानिए, सिलेबस आपका कम है। और बच्चों होमो डिफरेंशियल इक्वेशन तो उतनी है जितनी बोर्ड में आती है, बोर्ड से भी कम हो गई इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कह रहा होमोजीनियस फॉर्म तैयार कर लो जो वाई इक्वल टू वी एक्स करके करते हैं, और लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की तैयार कर लो। तो बच्चों ये कौन सी बड़ी बात है, इसका तो आप डायरेक्ट आंसर तो कैसे निकालते हो, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और बाकी कैसे सॉल्व करते हैं आंसर लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं, सन्नाटा फैला हुआ है, बोर्ड की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, उससे भी कम कर दी है, क्योंकि बोर्ड में भी इससे ज्यादा होती है, बोर्ड में दूसरे फंक्शन भी होते हैं, उसमें वहां पर ये भी लिखा होता है dx upon dy plus py x is equal to qy,
उन्होंने तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप टारगेट करोगे नंबर बन जाएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस को टारगेट करोगे नंबर बन जाएंगे, सीक्वेंस सीरीज को टारगेट कर रहे हो नंबर बन जाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम को टारगेट कर रहे हो नंबर बन जाएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में हमने बता दिया कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन चलते हैं, फिर से नंबर बन जाएंगे, है कि नहीं? फिक्स नंबर है, इतने बनेंगे ही बनेंगे।